देसी दारू की तरह यारी चढ़ाने वाली दीपिका पादुकोण है मेरे साथ और आज इनसे हम बात करेंगे यारी दोस्ती और फ्रेंडशिप के बारे में. दीपिका वेलकम टू जूम एंड आवर फ्रेंडली इंटरव्यू वी कैन से. सबसे पहले बताइए इस ब्रांड के लिए आई मीन किस तरह से आप कन्विंस हुए इसे साइन करने के लिए. आई थिंक ज़्यादा कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं गार्नियर को बहुत सालों से यूज़ करती आई हूँ जी. इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू सी माय मदर यूज़ गार्नियर एंड आई स्टार्टेड यूजिंग गार्नियर व्हेन आई वाज इन स्कूल. तो जब इनका कॉल आया एंडोर्समेंट के लिए आई थिंक इट वाज द मोस्ट आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड या आई थिंक फॉर मी इट्स बीन अ वेरी नेचुरल एसोसिएशन. और इसमें एक टैग है फ्रेंडशिप. तो ये फ्रेंडशिप आपको इस ब्रांड से आई मीन किस तरह से एसोसिएट होता है. आपने कोई क्रीम भी क्या फ्रेंडशिप को बढ़ावा दे सकती है क्या है आई मीन. नो आई थिंक हम ये कहना चाहते हैं कि यू नो आई थिंक पीपल फ्रेंड्स आर जनरली पीपल हु यू कैन बैंक ऑन यू कैन ट्रस्ट जो आपको हमेशा आई थिंक सम डिपेंडेबल. आप फ्रेंड्स पे डिपेंड कर सकते हैं एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट और एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ. And I think that's the same thing with the BB cream. I think it's something that you can just completely rely on and trust. Race 2 ke promos ki baat kare to bahut tareef hai. I mean really bahut log tareef kare bhi promos se. Aapko kis tarah se responses mile hain iske? The response has been great to the trailer, to the songs. In fact aaj hi ek naya song Be-Intaha release ho rahi hai. And it's been great because I think also mera look jo hai is film mein bahut hi alag hai from the other films that I've done. This it's an action thriller but mera jo role hai bahut hi glamorous kirdar hai and I think race has always been known to be this slightly sort of glamorous film so yeah it's different for me. Ek dialogue jo bahut popular ho chuka hai ki agar life mein 1/3 hissa sokar hi guzarna hai to akele kyun right ji. To kya kahenge is bare mein kafi bold ho gaya hai. I mean पसंद भी लोग कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि काफ़ी बोल्ड डायलॉग है इस हिसाब से. बोल्ड तो है ही बट आई थिंक दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज. आई थिंक इन अ फिल्म लाइक रेस व्हेन यू आर डूइंग अ थ्रिलर एन एक्शन थ्रिलर द कैरेक्टर्स इवन इफ यू सी द फर्स्ट रेस आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बोल्ड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स. सो या ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करें तो दीपिका कितना ध्यान रखती हैं कि जब इंडोर्स करना है तो क्वालिटी क्या होनी चाहिए. सिर्फ क्वांटिटी ध्यान रहती हैं कि कितने ब्रांड्स इंडोर्स करने हैं या क्वालिटी. नो आई मीन आई डोंट काउंट द नंबर ऑफ ब्रांड्स दैट आई एंडोर्स बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बी एबल टू नेचुरली फील फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड दैट आई एंडोर्स. यू नो देयर्स आई थिंक देयर्स मेनी रिक्वेस्ट दैट कम इन एवरी डे सो आई वुड हैव एक्चुअली बीन एंडोर्सिंग अ लॉट मोर बट आई थिंक आई एम वेरी वेरी सिलेक्टिव अबाउट द ब्रांड्स दैट आई एंडोर्स. And yeah, it has to be an extension of what I feel and of my personality. But agar media reports ki baat ki jaye to quantity mein bhi aap bahut aage nikal chuki hain aur sabse aage in fact kaha jaye to nikal chuki hain. Kya ye sach hai? I mean I don't know. I read these reports but I don't really count the number of endorsements that I do and I don't count what other people are doing. I'm just very happy with the endorsements that I'm doing. I'm happy with the brands that I'm endorsing today. And yeah, I guess when it comes to money, I think it's something, it's a very relative thing. I think the brand will pay me what they think I deserve. Okay, इसके अलावा media की बात करें और friendship की बात करें तो कितनी अच्छी friendship है आपकी media से? आप बताइए मुझे. नहीं हमारी तो बहुत अच्छी है लेकिन आपके angle से क्या है? I mean सिर्फ camera के सामने हम लोग बात करते हैं या फिर और भी media के बारे में आप लोग कुछ सोचते हैं कि अच्छे दोस्त हो सकते हैं media वाले? नहीं तो हमें तो ताने ही सुनने को मिलते हैं कि ऐसे question मत पूछना वैसे मत पूछना type. I think मेरा my interaction with the media has always been you know either brand related or film related. Or at some events. Yes, but I think the media to me has been very, very nice. जब से मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी ओम शांति ओम तब से लेके आज तक कॉकटेल तक ऑफकोर्स देर बिन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई करियर एज वेल बट आई थिंक द मीडिया हैज ऑलवेज बिन वेरी वेरी नाइस टूवर्ड्स मी. पहली फिल्म से मुझे एक चीज़ याद आ गई 5 साल आई थिंक आपने पूरे कर लिए इस साल. तो किस कैसी रही पूरी जर्नी और कैसा फील करते हैं 5 years सक्सेसफुल कम्प्लीटेड? I mean, it feels like I started yesterday. I feel like I have a long way to go. बहुत कुछ अचीव करना बाकी है. This year, 2012, has been a fantastic year for me. Cocktail का जो response मिला मुझे, I was very, very happy. And even in terms of the endorsements that I've signed this year, so it's been a good year for me. Okay, best friends. Bollywood में best friends कौन से हैं आपके? I think along the way, I've made a lot of friends. Right from my first film, I think I've been very lucky to have met a lot of nice people. But I think my closest friend, I think someone who I trust blindly is Dinesh Vijayan, jo mere cocktail ke producer hai. He's someone I
ट्रस्ट ब्लाइंडली. अगर मैं आपके तीन अच्छे दोस्तों के नाम लूँ और उनमें से आपको चुनना रहा बेस्ट फ्रेंड, आई मीन एकदम बेस्ट, तो आप बताइएगा प्लीज़. शाहरुख खान, पहले फिल्म आपने स्टार्ट की थी, सैफ अली खान के साथ बहुत सारी हिट्स फिल्म दी है, देन रणबीर कपूर जिनके साथ भी आपने सक्सेस बहुत अच्छी अच्छी फिल्म फिल्म्स की, तो कौन सा बेस्ट? आई थिंक मैं तीनों को अपने अपने दोस्त मानती हूँ. शाहरुख के साथ आई स्टार्टेड माई करियर, रणबीर हैज़ ऑब्वियसली बिन अ फ्रेंड, सैफ इज़ समवन आई हैव डन फोर फिल्म्स विद. So my equation with all three of them has been very different, but I consider all three of them my friends. But jo best friend was mein Dinesh thoda aage nikal gaya. ये थी दीपिका पादुकोण, जो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपनी यारी दोस्ती और फ्रेंडशिप की बातें हमारे साथ शेयर की. कैमरामैन कैलाश और हेमंत के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई.